वेलकम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए यूट्यूब पे स्पेशल एक सिंपल सा कोर्स लेकर आया हूँ जिसका नेम है माइंड कैलकुलेशन। मतलब माइंड कैलकुलेशन क्या चीज़ है इसके बारे में बात करेंगे। माइंड कैलकुलेशन को मैंने रिलेट किया सिंपलीफिकेशन से। माइंड कैलकुलेशन को कैसे रिलेट किया मैंने, सिंपलीफिकेशन से रिलेट किया, क्योंकि आप देखोगे जब हम 10+2 जब हम अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, चाहे वो आपका एम कुछ भी हो, उसमें हर एग्ज़ाम में आपने देखा होगा सिंपलीफिकेशन मस्ट है। सिंपलीफिकेशन मस्ट है, तकरीबन तकरीबन 10 सम जो है सिंपलीफिकेशन के, बैंकिंग एग्ज़ाम में या SSC डिपार्टमेंट में, MTS या कुछ भी ऐसे के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सिंपलीफिकेशन जो है अपना एक क्वांट में बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपना इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो सिंपलीफिकेशन को सोल्व करने के मेथड जो है वो काफ़ी हैं। सिंपलीफिकेशन को सोल्व करने के मेथड जो है काफ़ी हैं। आपने देखा होगा कुछ ट्रिक्स वगैरह यूट्यूब पे काफ़ी पड़ी हैं जिसमें सिंपलीफिकेशन सोल्व करना सिखाया है, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअली अपने आप को एकांत में रहकर सोचो, क्या वो यूट्यूब ट्रिक्स जो यूट्यूबर्स ने बनाई हैं, अच्छी ट्रिक्स बनाई हैं, क्या वो ही ट्रिक्स हमारे एग्ज़ाम में प्रैक्टिकली काम आ रही हैं, और आ रही हैं तो कितना परसेंट जो है काम आ रही है। अब आप देखो SBI जो बैंक है हर बार अपना एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर देता है, तकरीबन तकरीबन अपना एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर देता है। तो जो ट्रिक्स आपने निकाली है वही ट्रिक्स वो देख रहे हैं एग्ज़ामिनर, तो आई थिंक वो अपना एग्ज़ाम का पैटर्न अगर चेंज करते हैं तो वो अपने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चेंज करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी माइंड कैलकुलेशन ही इतनी फास्ट कर लो सिंपलीफिकेशन में, ताकि कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप खुद हैंडल कर पाओ। क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड भी हो जाए तो खुद हैंडल करो। ट्रिक्स को छोड़कर अगर आप अपना माइंड कैलकुलेशन को डेवलप करने में अगर आप लग गए तो आई थिंक आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा ट्रिक्स की बजाय। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने आज एक जो है कोर्स स्टार्ट किया है 7 डेज़ का। 7 डेज़ का ये मैं कोर्स यूट्यूब पर लेकर आऊँ। तो 7 डेज़ के कोर्स में हम काफ़ी तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है मैथ से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो आगे जाकर आपकी सिंपलीफिकेशन में जो है हेल्प करेंगे। आप जो बच्चा नाइन्थ में है जो ये वीडियो देख रहा है वो उसको तो बहुत बेनिफिट है, 10th में देख रहा है बहुत बेनिफिट है, +1 में देख रहा है बहुत बेनिफिट, मतलब जितनी आप लोअर क्लासेस से इसको देख रहे हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। और जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम में, आप वो एक बार ये इस जो है मेथड से अगर आप परसेंटेज सोल्व करना सीखो, परसेंटेज का आज मैं टॉपिक लाया हूँ, परसेंटेज सोल्व करना सीखो तो आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इससे रिगार्डिंग मैंने एक टेस्ट जो है जो डाला है डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को देखकर उस टेस्ट को ज़रूर फिल करें और अपना देखें भी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें ये कितना को समझ आ रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे परसेंटेज आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th का हो चाहे 7th का हो, परसेंटेज तो इन्वॉल्व है 10th परसेंटेज। सिंपलीफिकेशन इज़ द मशीनरी ऑफ मैथमेटिक्स। सिंपलीफिकेशन जो है मैथमेटिक्स की मशीन की तरह काम करता है पीछे कॉन्सेप्ट में, तो उसमें परसेंटेज बहुत ही एक जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है परसेंटेज। अगर मान लो मैं आपके सामने परसेंट रखूँ 80, सिंपल्स हम सिंपल से ही लार्ज स्केल की तरफ चलेंगे और अपनी माइंड में ही सब कैलकुलेशन करेंगे। मेरा आज कोई मेथड, आज मेरा कोई इरादा नहीं आपको ट्रिक सिखाऊं, आपको कुछ कहूं, मैं कुछ नहीं सिखा रहा, मैं आपको माइंड कैलकुलेशन सिखा रहा हूं बस। कैसे आपने जो है हर टॉपिक में माइंड कैलकुलेशन लगानी है, ट्रिक्स को छोड़कर माइंड कैलकुलेशन कैसे लगानी है। अब ये देखो ध्यान से, अब हमारे पास ये मेथड है। अगर इसका ट्रेडिशनल मेथड देखो आप, तो ट्रेडिशनल मेथड तो ये कहता है 80/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और इसको कट करोगे तो 8 32 जो है इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करें, इस तरह का ट्रेडिशनल मेथड तो आप सभी को पता है ये एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या गवर्नमेंट एग्ज़ाम में फॉलो नहीं होता, इससे काफ़ी टाइम चला जाता है, तो आई थिंक इट इज़ द रॉन्ग वे। सिंपलीफिकेशन को करने का ये बहुत ही गलत मेथड है, आप इसको छोड़ो। ठीक है, अगर मान लो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, इतना भी पता होगा आपको परसेंटेज जो है
वो 2-0 के साथ कट जाती है, सीधा भी सोल्व कर सकते हो, 32 आंसर आ गया। परसेंटेज जो है वो 2-0 के साथ जो है कट जाएगी, आप यहीं काट दो, क्योंकि उसमें भी अगर इसको अपॉन में 100 लिखोगे तो 1 से 1 0 कट जाएगी, तो सीधा ही आप 32 इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जो है आप सीधा ही इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, अगर मान लो मैं यहाँ कर दूँ 60% को 35, अगर यहाँ कर दें 60% ऑफ 35, तब आपने क्या करना है, माइंड में कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमारा माइंड पकड़ता है जीरोज़ वाली सिंप्लीफिकेशन को, जिसमें ज़्यादा जीरोस बन रही, तो इसमें आपने एक जो है मेथड अप्लाई करना है, उसका मीनिंग है एक का डबल दूसरे का हाफ। तो आप एक का डबल करो, साथ ही साथ दूसरे का हाफ कर दो, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे, तो इतना आप माइंड में सोच सकते हो, आप इसका हाफ करो, 30 माइंड में सोचा इसका हाफ कितना हो गया 30, बाकी एज इट इज़ सेम, और इसका डबल किया, इसका डबल किया तो बन गया 70, एक का डबल दूसरे का हाफ, 0 से 0 कट गई, 7 3 21। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके देखो, क्या आप इतनी कैलकुलेशन माइंड में नहीं कर सकते, सोचो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर 60 का हाफ अगर माइंड में सोचो तो 30, 35 का डबल सोचो तो 70, 0 से 0 जो है कैंसिल, और 7 3 21। तो इसको बोलते हैं माइंड कैलकुलेशन, आप माइंड में ही कैलकुलेशन करने सीखो। अब आगे नेक्स्ट देखो, अब मान लो यहाँ है हमारे पास 80% हो 25, अगर 5 वाला ना आए तब क्या करना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 80%, 80 का हाफ माइंड में सोचो 40, और इसका डबल सोचोगे आप तो 50, इसका डबल सोचोगे तो 50, तो इसको आप अगर काट दोगे 0 से 0 तो 20 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। मतलब देखते ही आप आंसर लगा सकते हो, एक का डबल दूसरे का हाफ कर सकते हो, तो इसका आंसर आ गया 20। नेक्स्ट आप मुझे बताओ, 48% ऑफ 25, अब जल्दी से इसका आंसर आप अपनी कॉपी पर सोल्व करके देखो, माइंड में, क्या माइंड में बिना पेन और कॉपी के ट्राई करो, आज से ही आपकी जो है प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, चाहे आप 10th में हो तो 10th से ही स्टार्ट होती है, चाहे आप +1 में +1 से स्टार्ट हो, चाहे कौन सी भी क्लास में, वहीं से ही आज आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, आपने माइंड में ही सब कुछ करना है। सोचो इसका आंसर क्या होगा, जी 48 का हाफ 24 हो जाए, और इसका डबल लगाओगे तो आप 50 हो जाए। अभी भी नहीं बात बनी, हमने 2-0 बनानी है, तो आप इसका एक बार और हाफ कर दो, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ इसका डबल क्या हो जाएगा 100, अब 2 से 2 0 कट गई, इसका आंसर कितना आ गया 12, इसका आंसर कितना आ गया 12। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो 48% ऑफ 25, आप सीधा 4 से मल्टीप्लाई, देखो एक का हाफ दूसरे का डबल, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक का हाफ और दूसरे का डबल। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो सकती है, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड भी हो सकती है, ये सोचो। अगर मैं सीधा ही 25 को माइंड में सोचूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो माइंड में मैंने पकड़ लिया इसका बनेगा 100, और इसको 4 से डिवाइड करूं तो यहां आ जाएगा 12, तो परसेंटेज से 2-0 कट गई, और इसका आंसर सीधा कितना आ गया 12, इसका आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं लिख रहा है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो, आप ट्रिक्स करने वाले पर्सन से भी आप आगे कुछ डेवलप नहीं कर सकते हो। हाँ, ट्रिक्स फॉलो होती है, मैंने ऐसा नहीं कह रहा भी बिल्कुल ही ट्रिक्स फॉलो नहीं होती, कुछ तो टाइम कंज्यूम करने के लिए ट्रिक्स जो है फॉलो की जाती हैं, लेकिन आप सारी की सारी ट्रिक्स पर डिपेंडेड हो गए तो आई थिंक आप कुछ ना कुछ अपना लॉस कर जाओगे। तो माइंड कैलकुलेशन सीखो, माइंड कैलकुलेशन से ही आप सिंप्लीफिकेशन को सही अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन देखा है, जैसे हमारे पास है अब 36% ऑफ 50, अब आप देखो एक का डबल दूसरे का हाफ, अब आपको पता चल गया होगा, आपने आंसर ढूंढ भी लिया होगा इसका आंसर क्या है,
अगर इसका हाफ करें तो 18 आएगा और इसका डबल करोगे तो 100 आएगा। परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल और इसका आंसर क्या आ गया, 18। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में ही सोच पाओगे इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, एक का डबल दूसरे का हाफ, बस ये कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट आप अपनी मल्टीप्लाई में भी यूज़ कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई में कैसे यूज़ कर सकते हो मैं आपको सिखाता हूँ, कैसे आपने मल्टीप्लाई में यूज़ करना है। देखो परसेंटेज हो कुछ हो, हमें कुछ नहीं लेना देना, हम तो जो है सिंपल अपना फंडा अप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई वाला। देखो मान लो अगर यहाँ है 26 मल्टीप्लाई 50, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करनी है, वैसे तो बिल्कुल देखो मैं ज़ीरो लेवल से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो ज़ीरो लेवल से हार्ड लेवल जाने का मज़ा आता है, हार्ड लेवल से ज़ीरो लेवल तक आने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि इस वीडियो को कई छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े बच्चे भी देख रहे हैं। तो मैंने इस माइंड कैलकुलेशन वाले कोर्स को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया। अब देखो अगर इसको सीधा मल्टीप्लाई करनी है तो आप वही कॉन्सेप्ट अपनाओ, एक का डबल दूसरे का हाफ। देखो इसका हाफ करोगे 13, इसका डबल करोगे 100, इसका आप करोगे 13 आ जाएगा और उसका डबल करोगे 100, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1300। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को अपने डेली रूटीन लाइफ में जो आप कैलकुलेशन करते हो उसको अप्लाई करके देखो, बहुत मज़ा आएगा, कैलकुलेशन भी आपकी थोड़े दिन में फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप कुछ मेरे साथ लाइव सीखना चाहते हो, अगर मेरे साथ लाइव जो है सिंप्लीफिकेशन कॉम्पिटिटिव की जो है सीखना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। WhatsApp कर सकते हो या कॉल कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है। और इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेस्ट डाला है, उस टेस्ट को ज़रूर आप जो है अटेम्प्ट करना। उसमें मैंने परसेंटेज के कुछ सम डाले हैं ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद ये पता चले भी हमें कुछ समझ आया नहीं आया। ज़रूर ट्राई करो, टेस्ट को भी ज़रूर फिल करना और आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करना, पसंद करना, यही मेरी इच्छा है, ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।